अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। सो टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनकी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन वी हैव लेंथ, तो हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं किसी भी स्केल को यूज करते हुए। अगर हम सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं, मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, तो हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट मास, तो मास को भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट इफ वी डिस्कस अनदर एग्जाम्पल, टाइम, टाइम इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। द लास्ट एग्जाम्पल इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के टू करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड वन इज यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, तो बेसिकली ये लेंथ है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और अब हम डिस्कस करें करेक्टरिस्टिक्स कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के टू करेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड वन इज यूनिट। तो अब हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है। तो इस एग्जाम्पल में 104 इज मैग्नीट्यूड, 104 बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेकेंड वन सेंटीमीटर, cm, cm बेसिकली वो यूनिट है जिसमें लेंथ को मेजर किया गया है। दैट्स व्हाई cm इज कॉल्ड यूनिट। तो इस तरह से ये लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की टू पार्ट्स हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 25 kg, तो 25 kg बेसिकली मास है। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो 25 kg में 25 इज मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड kg इज यूनिट इन विच मास इज मेजर्ड। Next, we will discuss types of physical quantities. There are two types of physical quantities, base quantities and derived quantities. First, we will discuss base quantities. Base quantities form the foundation for other physical quantities. Physics में तमाम physical quantities को describe करने के लिए, discuss करने के लिए basic role base quantities play करती हैं। ये foundation provide करती हैं। There are 7 base quantities. बेस क्वांटिटीज टोटल 7 हैं और इन्हीं की हेल्प से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी हमने बेस क्वांटिटीज को डिस्कस किया। बेस क्वांटिटीज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, तो ड्राइव क्वांटिटीज की फाउंडेशन भी बेस क्वांटिटीज ही बनाती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। एग्जांपल्स अगर हम देखें, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अलावा और बहुत सी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटीज सिर्फ 7 हैं, ड्राइव क्वांटिटीज का एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे हमने सिर्फ 8 एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। इसके अलावा और बहुत सी ड्राइव क्वांटिटीज हैं, इनको डिफाइन किया जाता है बेस क्वांटिटीज की हेल्प से। अगर हम एरिया की एग्जांपल ले लें, तो एरिया बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है। यानी कि एरिया को डिस्कस करने के लिए हम बेस क्वांटिटी यूज करेंगे, लेंथ। इन द सेम वे वॉल्यूम को डिस्कस करने के लिए भी हम लेंथ यूज करेंगे। नेक्स्ट जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं, इनमें कौन से बेस यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।